हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करें। तो आपने देखा कि मैंने ये डिस्कस किया कि दो वेक्टर्स को हम टू टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कौन सी क्वांटिटी मिल रही है, क्या वो स्केलर मिल रही है या वेक्टर मिल रही है। अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्केलर मिल रहा है तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वेक्टर मिल रहा है तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट या हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच कोसाइन एंगल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और दो वेक्टर का जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में हम अगर उनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन को होल्ड करते हैं। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ओके, अब हम और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की बात की, अब हम दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। और हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को हम वेक्टर मेथड से कैसे मल्टीप्लाई करें या हम उन्हें जो है वो डॉट या हम उन्हें क्रॉस मेथड से कैसे मल्टीप्लाई करें। आइए हम देखते हैं दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे आप उसे डिफाइन करेंगे। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो यहां से देखिए वेक्टर प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का तो रिजल्ट भी एक वेक्टर आएगा। हाँ, वो एक नया वेक्टर आएगा। अगर हम दो वेक्टर ए और बी ले लेते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उस केस में हमें एक नया वेक्टर सी मिलता है। आइए हम देखते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। मीन्स जब भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं तो वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है और एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में जो एंगल होता है उसका साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दो वेक्टर का क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल साइन होता है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच में साइन के एंगल के इक्वल होता है। मीन्स द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मीन्स अगर हम एक वेक्टर ये ए मान लें, एक वेक्टर ये बी मान लें, इनके बीच में हम स्मॉलर एंगल थीटा मान लें, तो ए क्रॉस बी जो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के इक्वल होता है। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। मीन्स जब हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ओके, और जो नया वेक्टर आएगा वो दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल भी परपेंडिकुलर होगा।
मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये मान लें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर ये ए है और एक दूसरा वेक्टर हमारा बी है इसी प्लेन में, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो एक नया वेक्टर आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, मीन्स वो या तो इसके नॉर्मली आउटवर्ड आएगा या तो नॉर्मली इनवर्ड आएगा। तो जब भी दो वेक्टर का हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मीन्स अगर आपके दोनों गिवन वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो हमारा जो थर्ड वेक्टर आएगा वो या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लंग होगा या तो निगेटिव जेड एक्सिस के लंग होगा। अगर दोनों वेक्टर वाई जेड प्लेन में है तो नया वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के लंग आएगा। अगर दोनों वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है तो नया वेक्टर वाई एक्सिस के लंग आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव वाई एक्सिस के लंग। आइए देखते हैं हम स्टेप वन। देखिए इफ वेक्टर ए एंड बी, देखिए ए और बी आपके पास, देखिए ये हमने एक प्लेन कंसीडर कर लिया है, ये हमने एक्स वाई एक प्लेन कंसीडर कर लिया है, क्या एक्स वाई एक प्लेन कंसीडर कर लिया है। इस प्लेन में देखिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके बीच में देखिए एंगल थीटा है, ये थीटा हमने स्मॉलर एंगल कंसीडर किया है और थीटा हमने कंसीडर किया है ए से बी की तरफ चलने पर जो स्मॉलर एंगल है वो हमने कंसीडर किया है। ये एक्स वाई हमारा प्लेन है और इसमें वेक्टर ए है वेक्टर बी है और हमने इनके बीच में जो एंगल कंसीडर किया है थीटा वो ए से बी चलने पर जो स्मॉलर एंगल है वो कंसीडर किया है। अब जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आएगा जिसको हम वेक्टर सी बोल रहे हैं और इस वेक्टर ये वेक्टर सी इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसको हम यूनिट वेक्टर एन कैप से जिसकी डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। तो यहाँ वेक्टर सी की जो डायरेक्शन होगी वो आपका एन कैप के लांग होगी और एन कैप जो है इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। इस केस में ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के लांग होगा। और अगर हम यहाँ पर बी क्रॉस ए करते हैं तो हम बी से ए की तरफ चलेंगे और जो स्मॉलर एंगल आएगा थीटा ये लेंगे। इस केस में जो बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारा वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन ये देखिए ये नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी, ये आपका डाउनवर्ड नॉर्मल होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे से डिफरेंट है। बी क्रॉस ए नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, ए क्रॉस बी पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। और एक्स वाई प्लेन में आपके वेक्टर ए व बी हैं तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा और बी क्रॉस ए नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। देखिए हम कैसे राइट करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब यहाँ पर देखिए थ्री टर्म है, एक है मॉड ए जो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एक है मॉड बी जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, एक है साइन थीटा जो ए और बी के बीच का एंगल है और एक है यन कैप, यन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, यन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, यन कैप जो है ये जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा एक क्रॉस बी उसकी डायरेक्शन को बताएगा, क्या उसकी डायरेक्शन को बताएगा और ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्या आएगी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेयर यन कैप इज द यूनिट वेक्टर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पर यन क्रॉस जो यन यूनिट वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा, ये एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, जो एन कैप होगा जिस प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर ए और बी हमने एक्स वाई प्लेन में लिया है तो एन कैप या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लंग होगा या तो निगेटिव जेड एक्सिस के लंग होगा। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, ए पर अपना हाथ रखेंगे और ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स को ले जाएंगे तो थंब की डायरेक्शन में ए क्रॉस बी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा और परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन होगा। अब आप देखिए ये जो ए क्रॉस बी आएगा तो ए बी साइन थीटा जो है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है,
ए बी साइन थीटा एक राष्ट्र बी का मैग्नीट्यूड है, इसके साथ ये यूनिट वेक्टर एन का मल्टीप्लाई हो जाने से ये एक वेक्टर बन गया, ये तो पूरा स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ एन कैप के मल्टीप्लाई हो जाने से ये जो क्या बन गया आप एक वेक्टर बन गया, और एन कैप क्या होगा ए के परपेंडिकुलर होगा, एन कैप क्या होगा बी के परपेंडिकुलर होगा, एन कैप ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाए कि दो वेक्टर ए व बी हैं, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो ए क्रॉस बी के पैरेलल हो, और ए क्रॉस बी के पैरेलल हो या ऐसे कहे जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब हमें एन कैप निकालना है। क्या निकालना है? एन कैप निकालना है। देखिए यहाँ से अगर आप एन कैप निकालेंगे तो एन कैप को आप कैसे राइट करेंगे, यहाँ से एन कैप अगर आप राइट करेंगे तो एन कैप आपका हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा अपान, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा हो जाएगा, अपान ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी, ये मॉड जब ए क्रॉस बी कर देंगे, ये मॉड ए क्रॉस बी आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी। कैसे देख लीजिए, यहाँ से अगर आप मॉड ए क्रॉस बी लिखेंगे तो मॉड ए क्रॉस बी आपका जो आएगा ये आपका आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और यहाँ एन कैप का मॉड वन हो जाएगा, यहाँ एन कैप का मॉड लेंगे तो वन हो जाएगा, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आपका, अब आइए इसके कुछ हम डायरेक्शन की बात करें। स्टेप टू, मेथड्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। ए क्रॉस बी जो आएगा वो एक नया वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू अगर हम वेक्टर सी मान लें, सपोज कर लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये एक नया वेक्टर आएगा, ये एक वेक्टर सी आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी, ये किस रूल से निकालें, कैसे हम पता करें, अब इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वेक्टर सी क्या होगा। अब इसके लिए पहला रूल है, रूल नंबर वन, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नया वेक्टर सी आता है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये आपका राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द, देखिए, इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मतलब इसका क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सपोज कर लो ये कोई प्लेन है और इसमें एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर देखिए ये बी है, और इसके जिस प्लेन में ये दोनों हैं इसके परपेंडिकुलर हमने ये देखिए रख दिया, ये रख दिया ना, देखिए ये मीन्स ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मीन्स जिस प्लेन में, देखिए ये प्लेन है, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने ये देखिए राइट हैंडेड स्क्रू का एक्सिस रख दिया, ये रख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको रोटेट करना है, क्या करना है, रोटेट करना है, और इस तरीके से रोटेट करना है कि ये ए से बी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में रोटेट करें। तो जिधर वो स्क्रू एडवांस करेगा, जिधर वो स्क्रू आगे बढ़ेगा वो वेक्टर सी की डायरेक्शन होगी। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एंड इज रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी थ्रू द स्मॉलर एंगल, मीन्स हम इस स्क्रू को रोटेट करें ए से बी की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल से, हम इसको स्क्रू को रोटेट करें ए से बी की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल से, इसको हम ए से बी की डायरेक्शन में रोटेट करें फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल, देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेज गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम एक स्क्रू ले लें
और इसको जिस प्लेन में दो वेक्टर्स हमारे हों उस प्लेन के परपेंडिकुलर रख दें, जिस प्लेन में हमारे दो वेक्टर हों उस प्लेन के परपेंडिकुलर रख दें, और इसको हम ए क्रॉस बी के ए से बी की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल होते हुए रोटेट करें, तो जिधर स्क्रू एडवांस करेगा आगे बढ़ेगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। ये तो कहलाता है राइट हैंड स्क्रू रूल, ये कहलाता है राइट हैंड स्क्रू रूल। आइए हम एक दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा है देखिए, देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम एक दूसरा रूल देखें, राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी। मींस हमें अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करना, देखिए यहाँ पर ए है तो ए से बी की डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो जो स्ट्रेस थंब होगा वो वेक्टर सी की डायरेक्शन को देखा, देखिए कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी थ्रू द स्मॉलर एंगल। अगर हमारे पास एक वेक्टर देखिए ए है, एक वेक्टर बी है, ये देखिए एक वेक्टर ए है एक बी है, हम अपने फिंगर्स को ए से बी की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल से कर्ल करें ये ए क्रॉस बी, तो जो थंब होगा वो वेक्टर सी की डायरेक्शन देगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये स्मॉलर एंगल थीटा है, अगर हम अपने फिंगर्स को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो थंब होगा वो वेक्टर सी की डायरेक्शन को देगा, थंब वेक्टर सी की डायरेक्शन को देगा। तो देखिए कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे, हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करें दैट दे पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी, कि वो ए टू बी की डायरेक्शन में वो रोटेट करें थ्रू द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल होते हुए, देन द स्ट्रेस्ड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो उस केस में जो हमारा स्ट्रेस थंब होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखा। देखिए ये कोई प्लेन है, इसमें हमने टू वेक्टर्स ले लिए, एक वेक्टर ये ए हो गया, एक वेक्टर ये आपका बी हो गया। अब अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो अपने फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करेंगे, ये ए से बी की डायरेक्शन में कर्ल करें स्मॉलर एंगल से, तो स्ट्रेस थंब जो है वो वेक्टर सी की डायरेक्शन देगा। अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से ए की तरफ चल के कर्ल करेंगे, ये इनवर्ड जो थंब है वो वेक्टर सी की डायरेक्शन को देगा। ओके, तो ये कहलाता है राइट हैंड थंब रूल, ये कहलाता है राइट हैंड थंब रूल। तो आइए राइट हैंड थंब रूल का अगर आप यूज करेंगे, ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, तो देखिए वेक्टर सी की डायरेक्शन में बता रहा हूँ, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो आप अपना हाथ ऐसे रखिए और ऐसे कर्लिंग करिए तो ये वेक्टर सी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो बी पर अपना हाथ रखिए, बी क्रॉस ए करें तो ये डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर सी की, तो मीन्स वेक्टर सी की डायरेक्शन ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो आउटवर्ड नॉर्मल या तो इनवर्ड नॉर्मल। अब यहाँ पर मैं आपको नोटेशन बता दूं, अगर वो आउटवर्ड नॉर्मल है, देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है कन्वेंशन बता दूं, अगर वो आउटवर्ड नॉर्मल है आउट ऑफ द प्लेन, तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और अगर वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये अगर आपका इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, अगर वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है तो इसको इस डॉट के द्वारा डिनोट करेंगे, अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो इसको हम क्रॉस के द्वारा डिनोट करेंगे। तो जब भी कोई वेक्टर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा तो क्रॉस के द्वारा, सर्कल क्रॉस के द्वारा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर तो डॉट के द्वारा डिनोट करेंगे। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। जैसे अभी हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, वैसे अब हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम ये देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, आइए हम